बैठ बैठ तमन जी बैठ, तमन जी सामने। इससे पहले मैंने कभी भी कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट के लिए परफॉर्म नहीं किया, एंड ऑफ कोर्स व्हेन यू आर ऑन अ स्टेज यू नो देयर इज अ सर्टेन फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट एंड नर्वसनेस, बट आई थिंक एक स्टेडियम में परफॉर्म करना उसका पूरा फीलिंग ही कुछ और है, एंड जो ऑडियंस की पूरी एनर्जी होती है आई थिंक दैट विल बी समथिंग रियली अमेजिंग एंड फॉर मी टू एक्सपीरियंस एज अ परफॉर्मर, एंड आई एम एक्साइटेड बिकॉज IPL से बेटर कोई स्पोर्ट्स इवेंट हो नहीं सकता बिकॉज वी आर ऑल क्रेजी अबाउट क्रिकेट, एंड पहला ओपनिंग नाइट है तो ओपनिंग नाइट में वी जस्ट वेटिंग टू वॉच द मैचेस, एंड या आई मीन CSK इज परफॉर्मिंग आफ्टर 2 years, सो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, एंड ऑफ कोर्स आई थिंक आई एम वन ऑफ दोज पीपल हु बिलोंग्स टू लाइक फॉर मी द मुंबई टीम, द हैदराबाद टीम, द चेन्नई टीम, देर ऑल माई टीम्स ओनली आई फील लाइक बिकॉज आई बिलोंग टू लाइक ऑल दीज सिटीज, सो एंड इस बार मेरा परफॉर्मेंस जो होने वाला है वो चारों भाषाओं का के सॉन्ग से होने वाला है, अब कन्नड़ा सॉन्ग आया, वो तेलुगु सॉन्ग आया, वो तमिल सॉन्ग एंड हिंदी सॉन्ग, सो या आई मीन आई गेस इट गोज आउट टू प्रीटी मच द होल ऑफ इंडिया। मेरी हालत यही होती कि आई डोंट नो विच वन टू चूज फ्रॉम, बट ऑफ कोर्स CSK हैज़ धोनी एंड ह्यूज फैन, सो या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग देम प्ले, वेरी एक्साइटेड वेरी नर्वस, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा स्टेज अलग फीलिंग होता है लेकिन एक स्टेडियम का फीलिंग ही अलग होता है, एंड कल मुझे छोटी सी झलक मिली जब मैं रिहर्सल कर रही थी, सो या आई मीन वी आर रिहर्सिंग एज मच एज पॉसिबल टू गिव एन अमेजिंग स्मैशिंग परफॉर्मेंस। वेल रिहर्सल ऐसा एक चीज़ होता है कि आप जब तक करते रहो आप यू वॉन्ट टू डू मोर एंड मोर बिकॉज यू नो देर इज़ नो पॉइंट एट विच यू कैन फील लाइक यू डन इट ऑल एंड नाउ यू नो यू आर कम्फर्टेबल। I'm also looking forward to all the other performers because I'm a huge fan of Hrithik and he's also performing and Jacqueline is performing and Varun is performing. So I think all these performances, I'm looking forward to seeing them as well. And yeah, I'm wishing them all the very best to, you know, have an amazing performance and amazing opening night. So I'm doing a lot of, so my next film is a Tamil film called Kannai Kalemane, which I just finished shooting for. And Naa Nuve, which is a Telugu film, which is again something I just finished shooting for. And I'm also working on Queen, so the remake of it in Telugu. So yeah, these films are going on and they are my next releases. And yeah, I'm looking forward to people watching them. And actually, मेरा एक ये हो गया कि मैं हर फिल्म में एक स्कूटी चला रही हूँ. So actually, जिसमें I think बहुत memes बने हैं कि मैं हर फिल्म साइन करने के पहले बोलती हूँ एक स्कूटी का शॉट रखना चाहिए. So I think all my films, for some reason, I'm riding a scooty in it. So I think that's probably जो आपने फोटो देखा था वो स्कूटी चलाते हुए देखा होगा मेरा फोटो। होनी चाहिए। I mean अगर ये सारी तीनों फिल्में हिट हो गई तो फिर मैं हर फिल्म में स्कूटी चलानी पड़ेगी। Thank you so much. Thank you guys. Thank you.